नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा किसनी के गपकापुर के ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने बताया, बिजली आपूर्ति बाधित होने से रबी की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे फसलों में काफी नुकसान हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की ये रिपोर्ट। बिजली विभाग के विरुद्ध किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। बिजली कटौती से परेशान किसानों ने विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। गपकापुर के किसानों ने प्रदर्शन कर धरना देने की चेतावनी की। क्षेत्र के शमशेरगंज फीडर से जुड़े गांव के किसान अंधाधुंध विद्युत कटौती से परेशान होकर दिन में समय हर घंटे के बाद 2 घंटे की बिजली कटौती होने से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी क्षेत्र की तरफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। गुरुवार को गपकापुर के किसानों ने बिजली कटौती के विरोध में विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधान बल्लाज यादव ने बताया कि दिन में बिजली न आने से सिंचाई नहीं हो पा रही है, जबकि रात में भीषण सर्दी में किसान पानी में लगा पाने में मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? बलराज सिंह। ग्राम कौन सा है? ग्राम गपकापुर। क्या समस्या है? देखिए, यहाँ भारी बिजली की समस्या है। किसान बहुत प्रभावित है। बिजली का रोस्टर बिल्कुल गलत है, जो किसान के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं आ रही है। सुबह जो है इतनी जल्दी लाइट चली जाती है, दिन में 5-5, 6-6 घंटे की कटौती रहती है। हम लोग ये चाह रहे हैं ये कंटिन्यूस 6-7 घंटे दिन में बिजली मिल जाए, मात्र 7 घंटे ही मिल जाए। इतना बुरा हाल तो कभी उस किसी सरकार में नहीं हुआ जैसा इतना बुरा हाल है। किसानों के लिए बड़ी आलू के खेत हैं, दिन में भरने वाले खेत हैं, सारी खेती दिन में होती है, रात में पानी का कोई कॉलम नहीं। रात में कटौती बढ़ा दें, दिन में ये ज़्यादा बिजली मिल जाए तो किसान का भला होगा। किसान बहुत त्रस्त है, खेती सूख रही है, पाले का डर है, बहुत ही नुकसान होने का अंदेशा है खेती बाड़ी में। अगर आप लोगों की मांगे न मानेंगे तो फिर आप लोग कहीं? हम लोग धरना हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेंगे शिकायत करेंगे, बड़े स्तर पर इसके लिए कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। सारे लोग इकट्ठे होंगे क्षेत्र के, पूरे हम लोगों की मंत्रणा चल रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग काफ़ी यहाँ पे उत्तेजित हैं। जैसे जैसे मैं चूंकि पूर्व प्रधान हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, लोग बड़े इस बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत परेशानी है। हाईवे जाम करेंगे।